अस्सलामुअलैकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम स्वागत आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान लेक्चर्स में। उम्मीद करते हैं आप सब बड़े होंगे, खुश होंगे, झमड़े भी होंगे। मैं लोग कसरत सर अफान और आप लोग की वीडियो देख रहे हैं। भाई ट्रिब्रो का वीडियो आ गया है, पाकिस्तान क्रिकेट। यस 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 यस, पाकिस्तान आउट फ्रॉम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। यस 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 यस, पाकिस्तान क्रिकेट फ्रॉस्ट। यस यस, ट्रिब्रो की वीडियो है। यस यस, वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वो तो एंड तो हो ही गया, जिम्बाब्वे जो खेलता है इनके साथ। रात को मैंने पोस्ट भी की चैनल पे, वो नहीं वो जो कवर के साथ ऐसी पिक्चर लिया होता है। भाई गाइस प्लेवर चैनल वाटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल सर्वर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। तो बांग्लादेश आपका कोई मैच ही नहीं है, 13 टेस्ट मैच खेले हैं, 12 आपने जीते, एक मैच ड्रॉ हो गया। बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त। अब बोल क्रिकेट बांग्लादेश से सीखे। पाकिस्तानी टीम खास तौर पे अपने मुल्क के अंदर जीत को तरस गई है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का हेलो, पाक प्लेयर्स की हालत देखकर सबको अंदाजा था कि सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकलेगा, लेकिन पॉल की थी पहले टेस्ट में हार के बाद भी। मेरा तो दिल यही कहता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करेगी, बांग्लादेश को शिकस्त देगी। लेकिन पोर्टो को बांग्लादेश से टेस्ट जीतने का ख्वाब, ये ख्वाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ख्वाब ही रहेगी। हम जैसे क्रिकेटर, हम जैसे एनालिस्ट जैसे बात कर रहे हैं, ब्लंड बात कर रहे हैं। क्या बोला तूने? ब्लंड बात कर रहे हैं। प्यारी समझ गई, भाई पोर्टो की टीम तो कोई नहीं जीतने से रही, तो बंदे अपने मुल्कों में क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या क्या आइडिया निकाल कर ला रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टीमें सेलेक्ट होंगी। मैं समझता हूँ कि पूरा क्रिकेट बोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलना चाहिए। अबे सालो, तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या एलियंस टेक्नोलॉजी से भी क्रिकेट चला लो, तब भी तुम्हारे मुल्कों में क्रिकेट के हालात नहीं सुधरने वाले, क्योंकि सालो तुम्हारे प्लेयर दुनिया के वो नायाब नमूने हैं जो रियल जीत सकते। तुम पोर्टो हो हर मैच से पहले उनके जैसे अभी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में मचा रहे थे। बांग्लादेश ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के लड़कों की सेल्फ रिस्पेक्ट को ललकार दिया है। ये जो पाकिस्तान के हमारे क्रिकेटर्स हैं, ये अब ऐसा बाउंस बैक करके आएंगे और ये बताएंगे बांग्लादेश टीम को कि हम में दमखम है। आइए देखते हैं, घर के शेर घर में भी ढेर है। बांग्लादेश के दोनों मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। अबे सालों व्हाइट वॉश नहीं किया, तुम्हारे मुंह पर काली पोस कर रख दी है। शर्म करो वालों। भाई ये देखो, बांग्लादेश जैसी टीम से सीरीज हारने के बाद भी पोर्टो को अपने प्लेयर से कोई शिकायत नहीं, बल्कि उंगली किस पर उठा रहे। सबसे बड़ी बात है आपको पिच बनाना नहीं आती है। अबे साले तुम्हें प्लेयर्स बनाने भी कहां आते हैं, मौजूदा प्लेयर जैसे बहुत बेकार क्रिकेट की टीम। पूर्व खिलाड़ी तो वो किसी टीवी शो में बैठकर अभी कैसी है, आपकी शादी, आप दोनों रिश्तेदार हैं, मगर ये बात स्टार्ट किसने की, उन्होंने अपनी मम्मी को कहा या ये खानदान वालों ने खुद सोच लिया? ये खानदान वालों ने खुद ही सोचा। आपने नहीं सोचा? मैं तो बहुत छोटी थी, तो बहुत छोटी। रजाक भाई, ये आपने जब ये बात आपके कानों में पड़ी वाली है, तो आपने कुछ ऊंचा की या बस हाँ कर? देखे ये काफी छोटी, कितनी छोटी थी रखते थे आप इन्हें क्या? और जैसे नहीं नहीं वाकई छोटी थी आप अभी भी छोटी हैं। तो अम्मी ने इशारा किया जब मैं पाकिस्तान टीम में आया, मेरी खाला भी ये भी आते थे भी थे, अम्मी आपस में बहनें थी, तो कोई ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल छोटी थी। मैंने कहा तो छोटी है। और जब मेरी वालदा ने मुझे कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैंने अपनी बहन की बेटी से शादी करनी है, तो मैं चुप रहा। चुप रहे, कुछ नहीं कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तो उस वक्त तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया और ये छोटी है छोड़ो। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हालत है और पाकिस्तान का क्या है? हाँ, समझ गया यहाँ सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं, लेकिन जहाँ खेलने की जरूरत हो वहाँ एक पाक प्लेयर ढंग से खेलता नजर नहीं आएगा। वो तो पोर्टो है कि हर मैच से पहले इसके अंदर डिंगे हाँकने लगेंगे, मानो पाकिस्तानी टीम का कमाल करने जा रही हो। और यही तो हुआ बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी, बंदे तब से पहले टेस्ट की हार का मातम मना रहे थे। कैसी सर्जरी हुई, पहले ही मैच में बांग्लादेश ने हमारे सारे टाके खोल दिए। और जैसे ही दूसरे टेस्ट की पहली पारी में
6 आउट हुए। पोर्गो की जज्बे वाली बैटरी चार बंदे अपने प्लेयर्स की तारीफ में इस कदर फटने लगे मानो बांग्लादेश से मैच ही कब्जा लिया हो। तो रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी पेसर्स की तबाहकुन बॉलिंग बांग्लादेशी बैटिंग लाइन उड़ा कर रखी। दूसरे कौमी बॉलर ने बांग्लादेश की बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को दबोच लिया। अरे क्या करूँ मैं जब जब इन पोर्गो को मुँह खोलते देखता हूँ यही सोचता हूँ इतना मुँह फट कैसे हो सकता है। साला भी बांग्लादेश के 6 विकेट ही गिरे थे। पोर्गो ने ऐसा हल्ला मचाना शुरू कर दिया था जैसे बांग्लादेश को 26 बार ऑल आउट ही कर दिया हो। और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा वैसे वैसे पोर्की पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट बचाना भी मुश्किल हो गया। 5वें दिन का मैच आते आते तो पोर्गो की हालत हो गई थी कि बंदे हार के डर से बारिश की दुआ तक करने लगे। पूरे दिन अगर बारिश होती रहती है और मैच नहीं हो पाता ये तो होगा ना कि पाकिस्तान शिकस्त से बच गया। पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है कि बारिश हो और इतनी बारिश हो कि ग्राउंड में पानी हो गया। बोले तो अरे बोरे वो हाँ वो जो छिलने के बाद छोटा होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको पेंसिल। अरे नहीं रे अबे वो रे जो आगे से भी लंबा होता है पीछे से भी लंबा होता है क्या बोलते हैं उसको तरबूज। अबे झंडा तुम कुछ और ही समझ रहा था। लेकिन इस हार के बाद भी पोर्गो को कोई मायूसी नहीं बल्कि उनका अब भी कहना है पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास टीम है। इस तरह की टीम पूरी दुनिया में नहीं भाई। हो भी कैसे शर्म के मारो शर्म। वर्ल्ड कप होता है उसमें अफगानिस्तान से हारते हैं बाकी बहुत सारी फेरिस्त भी छोड़ दें। T20 वर्ल्ड कप होता है यानी कि T20 फॉर्मेट तो उसमें अमेरिका से हार जाते हैं और टेस्ट क्रिकेट होता है यानी कि टेस्ट फॉर्मेट तो उसमें बांग्लादेश से हार जाते हैं। आखिर ऐसी टीम पाकिस्तान के अलावा दुनिया में हो भी कौन सकती है। की कमी हो जाएगी लेकिन जज्बे की कमी नहीं होगी। बंदे अपने प्लेयर्स की तारीफ में फटे ही जाएंगे। अब इस जिम्बाब्वे को ही देख लो जो बंदे आज तक अपनी टीम को एक ICC टूर्नामेंट नहीं जीता पाया। आयरलैंड जिम्बाब्वे USA जैसी टीमों से मैच तक नहीं बचा पाया। जो बंदे T20 भी टेस्ट मैच की तरह खेलता है उस बंदे के लिए भी पोर्गो का कहना है बाबर आजम T20 फॉर्मेट के कामयाब तरीन कप्तान बन गए। अरे कौन भौंक रहा है बदतमीज। अबे पोर्गो प्लेयर्स की तारीफ में कब तक भौंकोगे। कभी उनकी परफॉर्मेंस को देखकर रो भी लिया करो मन हल्का हो जाएगा। इतने दिनों से बस हम रोना ही रो रहे रो रो कर आंखें सूज गई। रोती रहो रोती रहो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान की टीम के वो हालात चल रहे हो एक मूवी का राजपाल यादव का जिसमें वो बहुत मार खाता है ना फिर वो जो जो दोस्त होते हैं ना उनके पास होते हैं कहते हैं कि इधर भी मारा उधर भी मारा। तो ये पाकिस्तान जिम्बाब्वे आयरलैंड USA बांग्लादेश भी अब आ गए इस लिस्ट में। इन टीमों ने तो अब इंडिया वाले तो उसको तो वैसे भी उसको जो वो क्या कहते हैं फेल देते हैं मतलब पता है वो मालूम है। जब ये इन टीमों से हार गए ना तो मैं कल मैं चेक कर रहा था किसी ने पोस्ट किया था यार 60 साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो टेस्ट टीम है वो इतनी गिर नहीं चुकी थी जो अब नीचे चली गई और ये रहेगी क्योंकि बहुत बुरी तरह से डाउनफॉल अब चल रही है। द रीजन इज जो प्लेयर्स मतलब जिनको खेलना चाहिए उन बेचारों को लेते नहीं है सारे आ रहे पर्चियों से आ रहे हैं सिफारिश है वो बेचारों को मौका देते नहीं। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर होते हैं वो बेचारे चले जाते मौका नहीं मिल रहा। इनका जो कैप्टन है ये किसी बड़े बंदे का बेटा है ये जो टेस्ट कैप्टन है शान मसूद लेजेंडरी किसी काम का नहीं ये किसी ने मैं एक वीडियो चेक कर रहा था उसमें उन्होंने बात की कि ये किसी बड़े बंदे का बेटा है उसके थ्रू जो है बंदा बिल्कुल कैप्टन बना के जो है फिर रहा है वैसे ये इसका टीम में जगह ही नहीं बनता भाई। तो ये इस तरह हाल है इनका और इस तरह हाल होगा तो खाक जो है ये लोग आगे जाएंगे नहीं जाएंगे भाई। बड़े बड़े बातें जो कर देखो जब दूसरा टेस्ट भी शुरू हो रहा था तो ये लोग यही कहते कि अब जो है बांग्लादेश को जो है बारिश ही बचा सकते हैं ये बातें एक बासित अली के नाम से कोई क्रिकेटर है वो बात कर रहे थे। ये हाल है बारिश के लिए लोग तरस रहे होते हैं खुद के दम से खेलो और खुद के दम से जीतो अगर मगर में लोग हमेशा से आते आ रहे हैं भाई। वर्ल्ड कप भी अगर मगर बांग्लादेश वाले जो सोच रहे थे कि शेख हसीना मेरे ख्याल में पाकिस्तान गई है चलो बंदा नहीं लेते हैं ये भी हो सकता है मुझे लग रहा है। बाकी ये वीडियो थी अगर पसंद आए तो प्लीज सोशल मीडिया पर शेयर साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक जरूर करें तुम तक सपोर्ट हो रहा है स्वामी के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।